अच्छा इतनी कमजोर नहीं है भयंकर परी कि तुम उसे ऐसी दीवारों में कैद कर सको। एक बात याद रखना भयंकर परी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो समझ लेना कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। परी भयंकर है बहुत गुस्से में बालवीर, भागो परी भयंकर भागो। कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा ये, मैं इसे जीतने का मौका ही नहीं दूंगी। मौका तो तुमने मुझे दिया है भयंकर परी, मुझे खुद यहाँ बुलाकर, और इसलिए तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें सजा देकर रानी परी को भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। आपने फिर से चक्कर लिया बालवीर को अपने जंजीरों में। ये जंजीरें तुम्हारे अंत की शुरुआत हैं बालवीर। इस बार प्रायश्चित तुम करोगे उन सारे घावों का जो तुमने मुझे दिए हैं। तुमने बालवीर कि जब तक सच्चाई और अच्छाई ना जीते जंग खत्म नहीं होती। गलत थे तुम। देखो कैसे मैंने तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। माना कि आज तक इतिहास में जीत सच्चाई और अच्छाई की हुई है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये भयंकर परी इतिहास को बदल देगी। मानव मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ एग्जाम्स की ना? नहीं बालवीर की। बालवीर की चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, पर फिर भी वो हमें बचाने नहीं आया। क्या? लेकिन तुमने बालवीर को बुलाया तो था ना? हाँ मैंने बालवीर को बुलाया तो था, पर बालवीर नहीं आया। अगर बालवीर नहीं आएगा तो बच्चों की मदद कौन करेगा? वो देख बल्लू तो पहले से ही कितना रो रहा है। पर मानव ये सब मुंह छुपा कर क्यों रो रहा है? अब बताओ तुम्हें कैसे की चिंता तो हो रही है मुझे भी बालवीर की, लेकिन आ रहा है मुझे रोने की जगह हंसना, और देखोगे हंसते हुए मुझे तुम तो होगे गुस्सा मुझ पर। बल्लू तू चिंता मत कर, बालवीर को कुछ नहीं होगा, और देखना वो जल्दी वापस आ जाएगा। बल्लू 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 डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन ऐसे रोते थोड़ी ना है। नहीं रहा रो मैं, बल्कि आ रही हंसी मुझे। क्यों खाया मैंने हंसने वाला सेब? बल्लू 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 बल्लू
बेचारा बल्लू, बालवीर नहीं आया इसलिए सबसे ज्यादा दुख उसे ही हुआ है। कितना रो रहा है वो। रोना तो अब हमें पड़ेगा। क्यों? अरे मेहर, मोंटू और उसके दोस्त को पता चल गया कि बालवीर हमारे बुलाने से नहीं आ रहे तो वो तो हमें और तंग करेंगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। बालवीर गायब, बच्चों को बचाने वाला 2 रुपए। आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर गायब हो गया है। वो कहां गया किसी को कुछ पता नहीं। दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि बच्चों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि ऐसा करने वाले को अब बालवीर के आने का कोई डर नहीं। बालवीर, बालवीर, बालवीर। यहाँ भी मुसीबत में फंसे कई सारे बच्चे बालवीर को बुला बुला कर थक गए हैं, लेकिन बालवीर नहीं आ रहा है। पर क्यों? क्या वो किसी बात से नाराज है या खुद किसी मुसीबत में फंस गया है? अब कैसे कह पाएंगे हम बच्चों को कि चैन से सो जाओ क्योंकि बालवीर है, लेकिन अब तो बालवीर है ही नहीं। पता नहीं बालवीर कहाँ चला गया। आखिर बालवीर कहाँ है? क्या बालवीर वापस लौटेगा? बच्चों को बचाने वाला बालवीर क्या बच्चों को बचाने आएगा? पता नहीं। बाबूजी, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे बुलाए और बालवीर ना आए। बालवीर तो बच्चों की मदद के लिए एक ही आवाज में पहुंच जाता था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मानव, मेहर और बल्लू ये सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। मेहर तो बालवीर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। मानव, मेहर और बल्लू ही नहीं, दुनिया के सारे बच्चे के बारे में सोचो, उनको क्या लगेगा? वो तो हर एक का दोस्त था। सभी बच्चे इकट्ठा होकर बालवीर के लिए एक मोर्चा कर रहे हैं ताकि सब मिलकर उसे पुकार सकें। क्योंकि अगर एक बच्चे की आवाज बालवीर तक नहीं पहुंच रही है तो सब बच्चों की आवाज मिलकर बालवीर तक जरूर पहुंचेगी। ये आइडिया अच्छा है बाबूजी। मैं तो बोलता हूँ कि हम पेरेंट्स को भी ऐसा ही करना चाहिए, बालवीर के लिए ऐसा मोर्चा निकालना चाहिए। मैं तो मंदिर जाकर बालवीर के लिए प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ कहीं भी है सुरक्षित और जल्दी से वापस आ जाए। यहाँ इतने बच्चे इकट्ठा क्यों खड़े? बालवीर, 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 हाँ बॉस, लगता है तो मारने के लिए। क्या? भागो, 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 क्या भागो, उतरो, उतरो नीचे, नहीं खड़े लो। अरे कितनी बार समझाया आपको बॉस कि हमारे साथ जब आपकी जिंदगी पिज्जा बर्गर खाते हुए कट रही है तो क्यों बच्चों से पंगा लेने का? मोरे साथ कट रही है। प्लीज कम बैक बालवीर। इसका मतलब? अरे बॉस, आपको कितनी बार समझाया है कि क्लास में बैठा करो, ध्यान दिया करो। अरे बॉस, मेरी बात मान ली होती तो आज दिन नहीं देखना पड़ता। बॉस, आपको इतना भी नहीं पता कि कमबैक का मीनिंग क्या होता है। कमबैक का मतलब होता है कि वापस आओ, वापस आओ बालवीर। बस करो बॉस, बच्चे की जान लोगे क्या? मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। मुझे लगता है बालवीर कहीं गायब हो गए इसलिए सब बच्चों के बुलाने पर वो नहीं आ रहे, इसलिए सब उसे इकट्ठा होकर बुला रहे। मतलब? मतलब बॉस, बालवीर अब आपको पीटेगा नहीं। मतलब बॉस, वो आपको लड़की बना के नचाएगा नहीं। मतलब बॉस, अब वो आपको बिजली के झटके नहीं देगा। मतलब बॉस, वो आपको उल्टा नहीं लटकाएगा। वाह बॉस, अब तो चांदी चांदी हो गई। चांदी नहीं, सोना। अब तो आपका सोना ही सोना हो गया बॉस। सोना? हाँ बॉस। अब सारे बच्चे टेंशन की वजह से सो नहीं पाएंगे और आप चैन की नींद सो सकोगे। वाह, अगर ऐसी बात है ना तो मैं सिर्फ तुम दोनों का नहीं पूरे स्कूल का बॉस बनूंगा। कहीं तुम मुझे चढ़ा तो नहीं रहे ना? तुम दोनों के चढ़ाने की वजह से मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा और बालवीर आ जाएगा।
और बालवीर आया तो वो आपकी बैंड बजा देगा। इली तो अरे बॉस, इसका मतलब है कि अगर आपको बॉस बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो बॉस, बालवीर बालवीर बालवीर, हाँ इतने सारे बच्चे, अब किसी को भी पीट के टेस्ट कर लो कि बालवीर आता है या नहीं। ठीक है, आज एक टेस्ट ले ही लेता हूँ। ए पिद्दी, चल इस बैनर को फेंक दे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानू? ए पिद्दी, आपको ऐसे बोल रहा है बॉस? मैं तो आपको बॉस बोलने में शर्म आ रही। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इस जंगल का राजा हूँ। लेकिन ये तो स्कूल है। हाँ मालूम है मालूम है, एक दिन हमारे पास तो जंगल है ना, मतलब जंगल के राजा हाथी है। हाथी करते, जंगल का राजा हाथी नहीं, शेर होता है शेर। बहुत शेर बन रहे ना तू। हाथी, अभी तुझे चूहा बनाता हूँ, बालवीर का बुलाता हूँ। अरे तू क्या बुलाएगा बालवीर को, मैं ही बुलाता हूँ। बॉस ज्यादा मत बोलो, अगर सच में बालवीर आ गया ना तो। ए पिद्दी, एक काम कर, आज तू ही बुला बालवीर को, बुला तू, बुला बुला। बालवीर 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 बालवीर। अब बालवीर नहीं आएगा, कौन बचाएगा तुझे? हाँ कौन बचाएगा बोल, कौन? रुको मोंटू, छोड़ उसे, नहीं तो पीट दूंगी। बस ये आखिरी मौका है, अगर मेहर से पंगा लिया और फिर भी बालवीर नहीं आया, इसका मतलब बालवीर कभी नहीं आएगा। ठीक है, आज एक टेस्ट ले ही लेता हूँ। बालवीर वापस आ जाओ। पीटेगी? पीटना, पीट। ए महर, बहुत फुदकती थी ना बालवीर के नाम से, मैं भी देखता हूँ आज कौन बचाता है तुझे मुझसे। बालवीर वापस आ जाओ। नहीं आएगा बालवीर, बालवीर गया, गया बालवीर।
अब मैं बनूंगा वही पहले वाला मोंटू। तुम दोनों रोज स्कूल आओगे और मैं तुम्हें रोज तंग करूंगा। देख मोंटू, तुझे जो करना है ना तू कर ले, लेकिन सबसे पहले मानव की कान की मशीन वापस कर। बिना इस कान की मशीन के मानव को ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मशीन वापस कर दे। रोहित केवल, एक काम करते हैं, ये मशीन है ना तोड़ देते। हाँ बॉस। नहीं मोंटू, नहीं, ये कान की मशीन मत तोड़, क्योंकि ये कान की मशीन मानव के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वापस कर दे इसे। मशीन चाहिए? दूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? रोहित केवल। ए, ताली क्या दे रहे? देखते गुण। ये इंक की बोतल उस पिद्दी पे जाके डालना, और अगर तूने इंक डाली तो मैं ये मशीन वापस कर दूंगा, और अगर इंक नहीं डाली तो ये मशीन मैं तोड़ दूंगा। नहीं मोंटू, मैं करती हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ना बालवीर, ये जानकर कि तुम मेहर की मदद नहीं कर सकते, मगर अफसोस अब तुम मेहर तो क्या किसी भी बच्चे की मदद नहीं कर पाओ। तुम्हें ये बुरा काम करना पड़ेगा मेहर। और आज से तुम भी बनोगे बूढ़े और शैतान बच्चे। बहुत ही जल्द मोंटू जैसे शैतान बच्चे सारे बच्चों को अपने जैसा बना देंगे। शैतान। और बच्चे बहुत जल्द समझ जाएंगे कि अब अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ बुराई, अब अगर उन्हें किसी का साथ देना है तो सिर्फ बुराई का, ना कि सच्चाई और अच्छाई का। कहाँ हो तुम बालवीर? प्लीज आ जाओ, वरना मुझे ना चाहते हुए भी इस बच्चे पे इंक डालनी पड़ेगी। बालवीर तुम कहाँ हो? प्लीज हम बच्चों को बचाने आ जाओ। जरा सोचो कैसा लगेगा ये देखकर जब सब बच्चे बुरे बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे।